बताएंगे आपको, वो डायरेक्टर और एक्टर ही बता सकते हैं। और जहाँ तक म्यूजिक की बात है तो वो भी मैं अभी, क्योंकि हर चीज़ पर्दे में ही है, पर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे चहीतों में से प्रेम जी और हम सब के चहीते डायरेक्ट, अपने विलन साहब तो नहीं कहूँगा, एक अच्छा आर्टिस्ट कहूँगा, कि इन लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला और इस फिल्म में मतलब मुझे दुआ देने का मौका मिला। और मैं ये कहना चाहूँगा ऑडियंस को भी और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी, और ख़ास करके मीडिया वालों को, कि अमूमन तो मैं हर फिल्म का म्यूज़िक रिलीज़ करने आता हूँ या ट्रेलर देखने आता हूँ, और ये पहली फिल्म है जिसके मुहूर्त में हमको बुलाया गया और हमसे दुआएं ली गई। और मचान एक इतना अच्छा प्यारा टाइटल है, प्रेम जी आपने बहुत प्यारा टाइटल रखा, और मुझे उम्मीद है कि ये अपने आप में 2019 की सबसे बड़ी फिल्म होगी। देखिए यहाँ पे स्टार कास्ट को वैल्यू नहीं करती, जैसे इन्होंने पहले कहा कि कहानी, तो इसमें पूरी मेहनत करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट भी इतना प्यारा है और ये लोग भी बहुत प्यारे हैं, तो अच्छी फिल्म बनाएंगे, ये भी मेरी शुभकामनाएं इनको। थैंक यू। फ्लोर पे तो ये मार्च में जाएगी, लेकिन अभी पूरा कुछ भी नहीं बता पाएंगे। समझिए कि असल में एड्स को फोकस करके, मतलब एड्स डिजीज के बारे में जो एक नॉलेज लेवल पे जो लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है ना, तो उसके चक्कर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर एकदम इंटीरियर विलेज में अगर कोई ऐसा मतलब कोई गांव है जहां लोगों को पता नहीं एड्स क्या होता है, वहां हो जाता है, तो उसको लेकर कैसे लोग जो है ना क्या क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे डरते हैं, और उनके द्वारा और क्या अपराध हो सकता है, ये है मचान एक्चुअली। मूवी में मैं विलन का किरदार निभा रहा हूँ और बहुत अच्छा करेक्टर है और बहुत बढ़िया मूवी है, समाज को जागरूक करने वाली मूवी है। एक्टर को पूरी कहानी सुना दी है सर ने, लेकिन एक्टर को अधिकार नहीं होता कि मूवी को डिस्क्लोज करे या बताए कुछ भी, लेकिन इतना है कि सामाजिक मूवी है, बहुत अच्छा कंटेंट है, और आजकल जो है कंटेंट ही स्टार है, कंटेंट ही पिक्चर हीरो है, तो ये नहीं कि बड़े स्टारों की पिक्चर हिट होती है, आजकल कंटेंट हीरो है। बहुत बढ़िया मूवी है, समाज को जागरूक करेगी और अच्छा किरदार निभा रहा हूँ बस। ये झारखंड में हम लोग देवघर में शूट कर रहे हैं एक्चुअली, और तैयारी जो जैसा कि एक प्री प्रोडक्शन होता है, पूरी टीम लगी हुई है, अच्छी अच्छे लेवल पर टेक्निकली भी हम लोग सब बड़े अच्छे आर्टिस्ट मतलब कैमरा मैन वगैरह सब बढ़िया जो नॉलेज वाले लोग इंडस्ट्रीज के उनको हमने रखा है। कंटेंट पे अभी मतलब अच्छे लेवल पे मतलब काम हो रहा है, ठीक है ना। स्टार कास्ट तो समझिए ना कि हमारे लोकेश जी हैं, ये स्टार हैं हमारे फिल्म के, बहुत बड़े स्टार हैं, आपकी स्टोरी स्टार है, सर की स्टोरी स्टार है, लोकेश जी भी स्टार है, रघुवीर जी से हमारी जो है ना बातचीत फाइनल उस पर पहुँच गई है, और हमको लगता है कि हम लोग एक आध सप्ताह में, रघुवीर यादव जी से तो लगता है कि एक आध सप्ताह में हम लोग फाइनल कर लेंगे उनसे जो उसकी भूमिका में। और बाकी चूँकि मेरा थिएटर बैकग्राउंड है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो इसमें थिएटर के आर्टिस्ट कुछ ज़्यादा ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि मेरा भी फील्ड म्यूजिक है, हम सर के साथ कई बार हम लोग बैठे हैं, काम किए हैं, मेरा खुद जो है अपना बेसिक जो फील्ड म्यूजिक रहा है, और कहीं ना कहीं से हमारे काम में म्यूजिक दिखता भी है, तो जब हम इनसे जुड़े हैं तो इनका सेवा तो हम लेंगे ही लेंगे। और डेफिनेटली देखिए, जब मैं यानी दिलीप सेन अगर आया है इनके बीच में, तो एक उम्र वाला तो नहीं कह सकता, मगर हाँ एक अपना एक्सपीरियंस ज़रूर उनके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जो टाइटल है, जिस हिसाब की कहानी चलेगी, क्योंकि उसमें म्यूज़िक खास करके आज का जो साउंड है, म्यूज़िक भले हम पुराना ले लें मगर आज का जो साउंड है, तो उसके लिए जो इन्होंने नितिन तिवारी को ना चलिए ठीक है, तो जितने भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अभी इसको बंद मुट्ठी रहने दीजिए, और प्रेम जी जो अच्छा समझेंगे वही करेंगे। थैंक यू। और मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी स्टार हैं, सर अभी बता नहीं रहे हैं, काफ़ी स्टारों से सर ने बात की है, लेकिन जब मूवी देखने जाओगे तो आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि इसमें ये स्टार होता तो अच्छा लगता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में स्टार है। थैंक यू। एक घंटा पहले बनने वाला था, एक घंटे के बाद में स्थिति कुछ ऐसी आई जैसे कि हिंदुस्तान में है, मैं बन चुका हूँ, अभी डेट्स का करना है और कब शूट करना है, और वो जो एक हमारा तो करेक्टर ये होता है कि आप बताएं गुड रोल और बैड करेक्टर, यू नो गुड और बैड, ये मालूम हो जाए तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है, बाकी दो चार चीज़ें और क्लियर होती हैं वो हो जाती हैं। बाकी हमको लालच ये बात है कि डायरेक्टर सेंसिटिव होना चाहिए, डायरेक्टर थिएटर का हो जाए तो एडेड बोनस है, इट्स एडेड बोनस कि माय डायरेक्टर इज़ फ्रॉम थिएटर,
अब थिएटर की जो संवेदनाएं हैं वो हम भी बेसिकली वहीं से हैं, तो वो एक अच्छी लाइन देगा, एक अच्छा तेवर देगा, एक अच्छा काम करेगा। अभी मुझे वो याद आ रहा है, फिल्म की लगान उसी का रिदम में है, मचान, वो भी एक गांव ओरिएंटेड फिल्म थी, गांव की मेंटालिटी को दिखाती थी, और ये फिल्म जो है ये भी वही है, मचान है। अब इसमें नया ऐसा क्या चीज़ लेके आते हैं डायरेक्टर साहब, या स्क्रिप्ट क्या लेके आती है जिससे कि चारों तरफ रोशनी फैल जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो मचान जैसी फिल्म है कल लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे, और इसकी इक्वेशन जो है, जो समीकरण है, इसका बहुत अच्छा बैठ जाए, लोगों को पसंद आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि इट बिकम्स अ बिग हिट। अरुण जी हमारे इस फिल्म में जो हमारा नायक है उसके पिता की भूमिका में रहेंगे, और बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर है उनका करेक्टर। सर मचान की बात करेंगे? नहीं सर कुछ नहीं, हिस्सा है, वी हैव कम हियर फॉर मचान, वी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग, यू विल हैव टू पार्डन मी फॉर दैट, क्योंकि आज हम आए हैं फॉर दिस रीजन, फॉर मचान। आर डायरेक्टर प्रेम सागर जी, ये प्रेम के सागर हैं, और सागर बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत कुछ संवेदनाएं हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, साहित्य है, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू फिल्म, न्यू डायरेक्टर, और न्यू होराइजन जो है, दिशा कौन सी है, ये दिशा जा रही है, लेट्स गो टू दैट, दैट्स इट। मैं आज तो इसके ऊपर कोई कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे कुछ नहीं मालूम है, नेवर वर्क विद द फ्रेंड्स, नेवर वर्क विद, लेकिन यू टॉक टू मी अबाउट मचान, आई विल टॉक अबाउट मचान, लव यू। तो यहाँ आकर बनी गया, एक पारिवारिक माहौल देखा, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, और डायरेक्शन की कोई टेक्निक नहीं होती, अपना विज़न होता है डायरेक्टर का, तो यहाँ तो मचान नाम से ही पूरा विज़न दिख रहा है। आई थिंक बहुत अच्छी फिल्म होगी, सब्जेक्ट भी अच्छा है, तो हम लोग जम के काम करेंगे पॉजिटिव वे में, अच्छा ही होगा। बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट है, सर ने जब मुझे सुनाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और डेफिनेटली ये इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, मुझे पता है इनके काम करने का तरीका, तौर तरीका, तो डेफिनेटली हम एक बहुत प्यारी फिल्म बनाने जा रहे हैं जो पब्लिक को भी बहुत प्यारी लगेगी, और डेफिनेटली अगर पब्लिक को पसंद आएगी तभी हमारा फिल्म बनाना भी सक्सेस होता है, और हमें भी पब्लिक का प्यार मिलता है तभी हम सक्सेस होते हैं। सर की यूएसपी की बात करूं तो शायद ये शब्दों में नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं जिनको, जहां तक इनको जान पाया हूं पिछले 2-3 सालों से, ये एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं, बहुत ही अच्छे लिरिसिस्ट भी हैं, बहुत ही अच्छे, सबसे अच्छे इंसान भी हैं, तो इसलिए अगर आप ये कहें कि यूएसपी को अगर हम एक डिफाइन कर पाए तो शायद पॉसिबल नहीं मेरे। सर ये सर के साथ मेरा पहला मौका है जो मैं मचान के साथ सर के साथ जुड़ रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छी मूवी है, और मैं सर के साथ बहुत अच्छे से अभी 6-7 महीनों से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, और प्रिंस के साथ मुझे जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया है, और बस कोशिश है कि अच्छी सी मूवी हम लोग बनाते हैं, बस इतना ही कहूँगा फिलहाल मचान के लिए। पहले यही कहना चाहूँगी कि प्रेम जी एक बहुत ही गुणी और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, राइटर है, जब मैं भले ही इसमें प्रोड्यूसर के रूप में जुड़ी हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्रेम जी ने जब सब्जेक्ट लेके आया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समाज को एक ऐसा कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है जिसमें कुछ मैसेज हो, और इन्होंने ये मचान सब ही समझ में आता है कि कितने मैसेज होंगे इस मूवी में, मतलब ये समाज को एक, मतलब एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएगी ये हमारी मूवी, और इस मूवी में बहुत कुछ है, मतलब प्रेम की चाशनी से तो बोली ये तो है ही पकी हुई, बाकी इसमें बहुत सारे मिर्च मसाले मिलेंगे, और सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत अच्छा है, एक अच्छा सब्जेक्ट देना मार्केट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल स्टार नहीं चल रहा है, आजकल आपका कंटेंट इतना धांसू होना चाहिए वही चलता है, और कंटेंट इसका बहुत, मतलब बहुत धांसू है, मतलब एक घर में अगर मचान ना हो तो पूरा घर को ध्वस्त कर देता है, वही सब्जेक्ट है ये। बस इस फिल्म से जुड़ने का मेरा यही मतलब मकसद था, क्योंकि ये जो मचान लेके आए कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट ने मुझे बहुत कुछ ऐसा लगा कि जैसे आजकल एड्स के प्रति लोग, जो एड्स जो लोगों में फैल रही है,
वो एड्स ना हो, लोगों को ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि आखिर इसमें क्या क्या अंदर की क्या क्या बात है। तो इन्होंने जब सुनाई तो मुझे थोड़ा सा ये सुन के बहुत अच्छा लगा। बात बाकी तो हमारे डायरेक्टर साहब टीम के सबसे हेड होते हैं जो पूरे मूवी को लेके चलते हैं, पूरे इन्हीं पर डिपेंड करता है। बाकी हम लोग तो सब हम भले फाइनेंस लोग लगाते हैं लेकिन डायरेक्टर ही सब कुछ लेके चलता है। डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं जी। सबसे पहले तो मैं सर को मतलब बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। मचान बहुत अच्छी मूवी है और ये मूवी बन रही है। और सर जैसे ठीक ही कह रहे हैं कि मचान हम लोग को बांधना है मिलके, क्या सर? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मचान के हम भी एक बस एक पिलर बन के मतलब एक खंभा बन के हम लोग भी शामिल हो गए हैं। और मूवी के बारे में सर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे क्योंकि अभी हमने बस टाइटल ही सुना है और जहाँ तक टाइटल बहुत ही दमदार है और बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे सर म्यूज़िक भी कर रहे हैं इसमें, मैं भी म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ इसमें, तो सर रहेगा अपना काम भी कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सर से हम जानना चाहेंगे फिर कैसा है मूवी का क्या कॉन्सेप्ट। फिल्म से पहले जो फिल्म के लोग हैं उनको देख के पता चल जाता है कि फिल्म क्या होने जा रही है। और जैसा कि मैं अपने भाई के बारे में जानता हूँ, ये अजीम फनकार है गीतकारी में, कलाकारी में, और जो इनका निर्देशन है मैं इनकी पिछली फिल्म में देखा है। और इस बात को मैं पूरे यकीनन बोल सकता हूँ कि जो आने वाली फिल्म है मचान, इसका टाइटल ही इसकी सोच इतनी बड़ी है, उसकी फिल्म कितनी बड़ी होगी। और जैसा कि सभी लोगों ने कहा है कि फिल्म से जो जुड़े सभी कलाकार बहुत अच्छे बहुत मेहनती, और मैंने इनकी टीम में खास चीज़ जो देखी है वो ये देखी कि लोग काम समझ के नहीं करते हैं, वो एक परिवार की तरह काम करते हैं उसमें और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। और जो जब जिस काम में लोग अपने दिल से लगते हैं वो चीज़ बहुत बड़ी निकलती है। और मेरी उम्मीद है, मेरी शुभकामना है कि ये फिल्म भी जिस तरीके से इनकी लास्ट फिल्म थी डेड मैन टू थाउजेंड मैन उसके मुकाबले में 100 ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आए मचान। और सच कहूँ तो मैं अभी से बहुत एक्साइटेड उस फिल्म को पर्दे पर देखने के लिए। इसका टाइटल ऐसा होगा और जो इसका इंटीरियर गाँव से जुड़ा हुआ है, आज सिनेमा कहीं और जा रहा है लेकिन अभी भी कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं निर्देशक हैं जो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और ऐसे ज़मीन से जुड़े वाले निर्देशक की फिल्म बहुत बड़ी होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है जी। थैंक यू। सबसे पहले मीडिया को मैं सलूट करता हूँ। नमस्कार मीडिया वाले। और मेरे जो प्रेम सर है बहुत ही अच्छे इंसान है, कल मैं उनको मिला था। और राकेश कुमार सर मैं नमस्कार सर, आपने मुझे मौका दिया। और मेरे भाई मेरे पास है अनिस भाई जो मेरे भाईजान है, तेवारी जी मेरे भाई है। और कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतने खाली बोलना है मुझे काम दे देना सर। अरे क्योंकि मैं एक्टर हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम सर ये नहीं आपको की बात, ये कलाकार की बात, इसको कहते हैं बिजनेस। ये हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि जो नए लोग आ रहे हैं, अब प्रेम भाई जो हमारे अलग आउट ऑफ मुंबई से हैं लेकिन मुंबई में आके यहाँ के उन लोगों को काम दे रहे हैं तो सच में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआओं के अलावा और कुछ हाथ कभी उठ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेम सागर जी काम देना सबसे बड़ी बात है। आज बड़े बड़े प्रोडक्शन हैं, स्टार्स को काम देते हैं लेकिन प्रेम भाई ने हमेशा नए लोगों को चांस दिया और नए लोग आते यहाँ से काम करते हैं। और जब यहाँ से काम होगा तो फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। और रही गई बात कल्याण जी जाने की, ये तो मैं इनको देख रहा हूँ कि जमीन से आसमान की ओर जा रहे हैं। कोरियोग्राफर भी हैं, कोरियोग्राफर एक्टर हैं, असीम फनकार हैं जब इनके साथ जुड़े हुए हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, एक्टर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात, और इनका एक टैगलाइन है गरीबों का एक्टर, डांस बहुत अच्छा, गरीबों का एक्टर, डांस बहुत अच्छा। ऐसे लोग फिल्म से जुड़ेंगे सच में फिल्म बहुत अच्छी बनने वाली है।